हेलो एवरीवन, एस के जे स्टडीज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम आप लोग को हार्ट का स्ट्रक्चर बेसिक पता ही होगा। इसमें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम चार कंपार्टमेंट होते हैं। ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब इसका बेसिक फिजियोलॉजी बता देता हूँ। तो क्या होता है कि इन्फीरियर वेना कावा मतलब बॉडी के निचले हिस्से से वेन के द्वारा, जिसे इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं, और ऊपरी जो हेड रीजन से जो एक वेन आती है, वेन बहुत सारे, उसे सुपीरियर वेना कावा, इसके थ्रू अशुद्ध रक्त को जिसे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, उसको राइट एट्रियम में लाया जाता है। और यहाँ से ये फिल हो जाता है, तो इसमें जो फिल हो जाता है तो यहाँ का ब्लड इसमें कंट्रक्शन होने से यहाँ की जो वॉल्व होती है, जिसे क्या कहते हैं, ए बी वॉल्व या फिर ट्राइकैप्सिड वॉल्व, वो खुल जाती है और सारा का सारा ब्लड यहाँ आ जाता है, जिसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं। और राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या किया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट लंग और राइट लंग में प्यूरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ जब प्यूरिफिकेशन हो जाता है तो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्पिरेशन के थ्रू लंग में जब ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन जो ब्लड में मिल जाता है, तो उस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लाया जाता है। तो हार्ट के लेफ्ट एटीएम से जो ब्लड होती है, जब यहाँ फिल हो जाता है लेफ्ट एटीएम, तो यहाँ से जो प्रेशर के कारण बाई कैस्पिड वॉल्व या ए बी वॉल्व होती है, वो खुल जाती है और सारा का ब्लड सारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब भर जाता है तो इस पर कंट्रक्शन होती है। तो हार्ट हमारा कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन के बेस पर काम करता है, वही इसका बेसिक थ्योरी होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कंट्रक्शन होती है तो एक प्रकार से सेमिलुनर वॉल्व, यहाँ पर एओर्टा है, इस एओर्टा से सेमिलुनर वॉल्व खुल जाती है और हाई प्रेशर के साथ, बल्क फ्लो के साथ, स्पीडली प्रेशर के साथ सारा का सारा ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ओवर ऑल बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट, रेस्ट ऑफ द बॉडी, सभी हेड आदि सभी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के पहुँचाया जाता है। तो ये है दोस्तों बेसिक इसका फंक्शन, फिजियोलॉजी हार्ट का। आगे का वीडियो नेक्स्ट में देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, एक्साइजन इन कार्डियक मसल, किस तरह से सिग्नल आता है, इसमें कंट्रक्शन होता है और सारा ब्लड, इसका कार्डियक साइकिल कैसे चलता है, हार्ट बीट कैसे होता है, आप लोग देख सकते हैं कार्डियक साइकिल और एक्साइटेशन इन वेंट्रिकुलर मसल, सारा का सारा देखेंगे दोस्तों। ग्राफ है, इन ग्राफ को कैसे समझा जाता है, जो कि CSIR नेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।